वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। तो आज मैं फिर से आ गई एक नया वीडियो के साथ। आज मैं बना रही हूँ तुरई। इसको कोई तुरई बोलते हैं, कोई दुर्गा बोलते हैं, पता नहीं, कोई तुरई कोई दुर्गा बोलते हैं। आज मैं इसका सब्जी बना रही हूँ और इसके लिए मसाला जो भी चाहिए वो मैं काट लेती हूँ। सबसे पहले इधर येलो और ब्लैक कलर का राई मैंने भिगो के रखा, इसका पेस्ट बनाना है। ये मीडियम साइज का प्याज मैंने काट लिया और इधर दो तीन हरी मिर्ची और एक लहसुन, तो ये सारा का पेस्ट बना रही हूँ, हरी मिर्ची अदरक लहसुन का। और प्याज इधर काट के रेडी है, बाकी जो भी मसाला चाहिए वो मैं काट लेती हूँ। सबसे पहले मैं सब्जी को काट लेती हूँ और इसमें डालेंगे एक आलू। आलू मैंने छील के दिया, तो सबसे पहले सब्जी को काट के रेडी कर लेते हैं, उसके बाद जो भी मसाला जैसा भी बना रहे आगे आप लोग देखते रहिए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये हमारा बंगाली लोगों का एक डिश है, बंगाली स्टाइल में बना रही हूँ, तो आप लोग देखते रहिए। ऐसे काट लिया, आलू भी ऐसे लंबे लंबे पीसेस काट लिया, प्याज भी रेडी हो गया। कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया, सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाल देंगे और ये बनाऊंगी मैं मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल से। आप जो तेल खाना पसंद करते हैं आप वो तेल हिसाब से। मैं मसाला डायरेक्ट एकदम से बना रही हूँ इसलिए तेल थोड़ा ज़्यादा डाल दिया। तेल को गर्म होने देते हैं, देखिए 5 मिनट, फिर इसको अच्छे से होने देते हैं और प्याज को अच्छे से लाल करके भाज लेते हैं। प्याज को भी डाल देते हैं, प्याज को भी डाल करके भाज लेते हैं। प्याज को अच्छे से लाल करके पहले भाज लेंगे। प्याज जब तक लाल होकर फ्राई होगा तब तक मैं पेस्ट बना लेते हैं सरसों का पेस्ट। प्याज अच्छे से फ्राई हो गया, अभी इसको लाल हो गया, अभी इसको साइड कर देंगे, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और प्याज जो भजा हुआ है इसको पहले प्लेट में निकाल देंगे। ये मुझे लास्ट में चाहिए, अभी नहीं चाहिए। अभी इसमें डाल देंगे तुरई और आलू दोनों और इसको अच्छे से भाज लेंगे। गैस को मैंने मीडियम में रखा, सबसे पहले इसको अच्छे से तेल में भाज लेते। बहुत से लोग ना इसको डायरेक्ट कच्चा भी बनाते, तो थोड़ा सा तेल में भाज लेंगे ना इसका जो हरी चीज से थोड़ा हरा सी मिल जाता है तो कम हो जाता है। इसके लिए भर देते हैं अच्छे से, इसको देखिए एकदम अच्छे से लाल होकर फ्राई हो गया, एकदम अच्छे से हो गया। इससे ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे। अब ये जो मस्टर्ड पेस्ट रखा है इसमें सिर्फ हल्दी डाला, फिर के हरी मिर्ची मैंने पीसा है, ये इसमें ऐड कर दूँगा। नमक चेक कर लेंगे और अभी इसको 2 मिनट के लिए धोने देंगे, चाहिए तो थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। मसाला जो बाटी में था ये धो के पानी थोड़ा सा ऐड कर दिया। इसको स्लो गैस पे 5-7 मिनट अच्छे से पकेंगे, क्योंकि मस्टर्ड पेस्ट डाला तो ये पकेगा। तो इस तुरई की सब्जी रेडी है, नमक मैंने चेक कर लिया, सब्जी एकदम बराबर है। ये जो प्याज फ्राई करके रखा था ये इसमें ऐड कर दिया करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज अच्छे से लास्ट में फ्राई होने के बाद डालने के बाद इसका खुशबू अच्छा आता है। ये हो गया, अभी जो झींगा मछली फ्राई करके रखा था ये इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा सुपर टेस्टी तुरई प्रॉन्स का सब्जी रेडी। तो सब्जी अभी रेडी है, अभी गैस को ऑफ करेंगे और इसको खा लेंगे। गाइस आज मैंने बनाया, कोई तुरई बोलते हैं, कोई दोड़मा बोलते हैं, मैं आज उसका सब्जी बनाया। रेसिपी तो आप लोगों को देखने में आएगा और इसमें डाला प्रॉन्स या झींगा मच्छी, तो आज मैंने इसका सब्जी बनाया। ऐसा ये बंगाली डिश है, बहुत से लोग तुरई तो खाते ही, पर मैंने आज इस टाइप का बनाया। आप लोगों को ये रेसिपी कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए हमारे बंगाली डिश आपको कैसा लगा। तो
सबसे पहले टेस्ट करे ना, बहुत लेट हो गया, भूख भी लग गई। आइस खाए ना थोड़ा सा, इसमें फिश डाला ना तो ये नहीं खाएगा, उसके लिए अलग से मैंने निकाल के रखा। बहुत टेस्टी, मैं नहीं बताऊंगी क्या, मैं खुद बनाया खुद खा रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ बहुत टेस्टी। अब लोग अगर बहुत से लोग सावन चालू हो गया, झींगा मछली नहीं खाते होंगे, फिश नहीं खाते, बहुत से लोग पूरा मायना पालते, सब सिंपल भी ये बनाओगे ना बहुत टेस्टी है, एक बार ट्राई जरूर करना। तो आज के लिए बाय, ऐसा लगा रेसिपी कमेंट करके जरूर बताना, फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ, बाय।